हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डोंट से और से। एक सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सेंड मी द रिपोर्ट। इसे हम पोलाइट वे में इस तरह कह सकते हैं, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट। क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लीव मी अलोन। इसे हम पोलाइट वे में इस तरह भी कह सकते हैं, कुड यू गिव मी ए मिनट। क्या आप मुझे एक मिनट दे सकते हैं। देन थर्ड है टेल मी व्हेन योर अवेलेबल। इसे हम पोलाइट वे में ऐसे कह सकते हैं, लेट मी नो व्हेन यू अवेलेबल। लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। जब आप उपलब्ध हो तो मुझे बताएं। यू आर रॉन्ग। इसे पोलाइट वे में इस तरह से कह सकते हैं, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन। मुझे लगता है आप गलत हो सकते हैं। देन फिफ्थ सेंटेंस है दैट्स बैड आइडिया। इसे हम पोलाइट वे में ऐसे कह सकते हैं, आई एम नॉट सो श्योर दैट्स ए गुड आइडिया। मुझे यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा विचार है। नेक्स्ट सेंटेंस, योर वर्क इजंट गुड। योर वर्क इज नॉट गुड। आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विथ दिस वर्क। मुझे इस काम में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। आई डोंट लाइक द कलर्स इन दिस डिजाइन। इसे पोलाइट वे में इस तरह से कह सकते हैं, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ द कलर्स इन दिस डिज़ाइन। मुझे इस डिज़ाइन के रंग पसंद नहीं हैं। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेज है जिसे पोलाइट वे में ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंड मी द रिपोर्ट, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट, Leave me alone, could you give me a minute, tell me when you are available, let me know when you are available, you are wrong, I think you might be mistaken, that's bad idea, I'm not so sure that's a good idea, your work is not good, I'm not quite satisfied with this work. I don't like this color in this design. I'm not too fond of the colors in the design.